मुझे अभी भी याद है आपका, मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी मैं आपने प्रधानमंत्री स्पीच, बना और सितंबर में गया था मैं। सितंबर में गए थे। तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया, तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस का है, अच्छा, उल्टा था। उल्टा था। और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का। जब जहाज़ में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुँचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई हुई थी। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग ही कर लेता हूं। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे तो सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे क्या है। तो वो अड़ गई, उन्होंने बड़ा आग्रह, नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले हाँ, एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। मैं कभी, मैं तो ना किसी को लिखने के लिए कहा है ना मैंने लिखा है, मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूँ। खैर, काफ़ी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर रखा, नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करेंगे ये? तो मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस दिन मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए, फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ये प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी कि, यानी पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है, तो मेरा वो पहला भाषण जो है हाँ, वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ। यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा मेरे हाथ में हाँ, कागज है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी, आज भी मशहूर है भाषण नेपाल तो, में पहला भाषण था तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा, मैंने कभी वैसे देखा नहीं आपको। तो मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए, तो फिर खैर मैंने, मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है।